आज दिवाली के शुभ अवसर पर सभी भारत के नागरिकों को प्रणाम करता हूँ। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहें, जिससे देश का जो विकास रुका हुआ है विकास हो सके, महिलाओं को न्याय मिल सके, विधवाओं को न्याय मिल सके, जो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता उनको न्याय मिल सके, साथ साथ में जो प्रदेश सरकारें भ्रष्टाचार कर रही हैं उनके नीर खुल सकें, क्योंकि वह असामाजिक तत्वों का ज्यादा सहयोग कर रही हैं, जिसकी वजह से विकास नहीं हो रहा है, क्राइम दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, देश की जनता परेशान है, सरकारें इस पर ध्यान नहीं दे रही है। आज महाराष्ट्र का चुनाव हुआ है, शिवसेना, कांग्रेस, NCP, भाजपा को काफी लोगों ने वोटें दिया है, अच्छी वोटिंग हुई है, फिर भी शिवसेना अड़ी हुई है कि मुझे CM का पद चाहिए ढाई वर्ष के लिए। ये दुख की बात है, जनता किस लिए वोट देती है, अपना अधिकार किस लिए देती है, सरकार चलाने के लिए, प्रदेश को न्याय देने के लिए, लेकिन आज सरकार बनाने के लिए मुख्यमंत्री का दौर चालू है। मुख्यमंत्री बनने से इन लोगों को फायदे होंगे, उसके लिए मुख्यमंत्री पद की फोन भी लगे हुए हैं। मैं तो शरद पवार जी को शुभेच्छा देता हूँ।